आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्दियों में कैसे पढ़े, सर्दियों में कैसे पढ़ना होगा भाई। तुमको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम जॉब कैसे लोगे, अपने माँ बाप का सपना तुम कैसे पूरा करोगे। अगर तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो तुमको पढ़ना ही होगा, चाहे कैसा भी सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, लेकिन तुमको पढ़ना होगा। अब तुम भाई 18 साल के हो गए हो, अब तक नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे। क्या अब तुम्हारा बहाना मारने का समय है कि माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं कर सकते हो ना। अरे भाई 18 साल माँ तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, किस काबिल बनने के लिए कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख करके नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे और मेरा सपना जो है पूरा कर दे। और तुम बहाना मारोगे कि सर्दी हो गया, सर्दी है, इस सर्दी में कैसे पढ़ेंगे। हैं, ऐसा होता है? बहाना मारोगे तो फिर वही होगा, फिर कल तुमको जो है फिर से वही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वही मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना, वही हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। क्या करोगे तब, जब तक तुम अपने अपने आप को तुम काबिल बनाना ही पड़ेगा, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए तुमको काबिल बनना ही पड़ेगा। काबिल नहीं बनते हो तो फिर जो है वही प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, अभी जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी जो है सर्दी का मौसम है, तो इसमें जो है पढ़ना ही होगा, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ना ही होगा। अभी जैसा कि आगे NTPC ग्रुप डी इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है उसको जो है इस बार क्रैक करके ही दिखाना है अपने माँ बाप को। माँ बाप को जब तक तुम अपने माँ बाप का सपना जब तक तुम पूरा नहीं करते हो तब तक तुम बेरोजगार हो, तुमको कहीं पर भी इज्जत कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा तुमको इज्जत। और वहीं अगर तुम जॉब हो जाता, तुम और कहीं जाते हो घूमने के लिए, किसी के घर जाते हो बैठने के लिए, तो सबसे पहले तुमको जो है पहले कुर्सी देगा आगे में कि बाबू साहब आया है, बाबू साहब आया, पहले इसको दो कुर्सी। ऐसा होगा जॉब करने के बाद। अगर जॉब नहीं करोगे तो वही होगा, बेरोजगार बन जाओगे, बिल्कुल बेरोजगार बन जाओगे। तो दोस्तों, मेरा जो है बस इतना ही मोटिव है आप लोगों का कहना कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो या फिर किसी भी प्रकार का मौसम है, इसमें बस पढ़ना 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 है, ठीक है। अभी जैसे कि आज इनकी छठ पूजा है, तो सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छठ पूजा है तो क्या हुआ, इसमें भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी तुमको जो है पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो छठ जो है हर एक साल आता रहेगा। लेकिन अगर तुम जॉब कर लेते हो तो तुम्हारे लिए पर डे जो है छठ ही पूजा रहेगा, पर डे तुम्हारे लिए त्यौहार ही रहेगा, फेस्टिवल ही रहेगा। जब तुमको पहला तनख्वाह मिलेगा ना, उस बार तुम सोचना क्या होता है पढ़ाई करना और क्यों इम्पोर्टेंट है। जॉब करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इतना तक मैं आज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, और मेरा कुछ कहना नहीं है, आप लोग जो है बस पढ़ लिख करके कुछ बन जाइए, मेरा बस इतना कहना है। तो ओके, बाय बाय।